नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल में तय दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उपस्थित हूं। मंगल और राहु की युति अंगारक दोष का फलाफल लेकर के और इस अंगारक दोष से बचने के उपाय भी बताऊंगा। अभी तक हमारी बात मेष राशि से लेकर के मकर राशि पर्यंत हो चुकी है। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। यदि आपके वे कुंभ लग्न अथवा कुंभ राशि है तो यह अंगारक दोष का फल आपके लिए हो सकता है और इससे बचने के उपाय भी आपको मैं बताऊंगा। 7 मई 2019 को प्रातः 7:30 बजे मंगल वृषभ राशि को छोड़ करके मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। मिथुन राशि में पहले से ही राहु विराजमान है और यहां पर मंगल और राहु की युति अंगारक दोष के रूप में उत्पन्न हुई है। यह युति 22 जून 2019 तक यहीं पर मंगल रहेंगे। इस सवा महीने में अग्नि के कारक ग्रह मंगल क्या प्रभाव डालेंगे जातकों पर? वैसे तो खगोलीय ज्योतिष में यह बहुत बड़ी घटना नहीं है, ऐसी निरंतर घटनाएं होती रहती हैं। प्रतिवर्ष यह घटना होती है, इसमें बहुत अधिक घबराने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन यदि किन्हीं बातों का हम थोड़ा चिंतन कर लें और हमें किसी विशेष परिस्थिति का शिकार ना होना पड़े, इसलिए यह राशिफल बताया जा रहा है। आपको डराने का अथवा आपको भ्रमित करने का इसमें कोई उद्देश्य नहीं है। मंगल जो कि रक्त के कारक ग्रह हैं, मंगल जो कि हमारे पराक्रम साहस के ग्रह हैं, मंगल जो हमारे सेनापति और सेना के नेतृत्व करने वाले ग्रह हैं, मंगल जो हमारे भूमि जायदाद और भवन इत्यादि के कारक ग्रह हैं, मंगल हमारे भाइयों के कारक ग्रह हैं, तो वहीं राहु हमें दिग्भ्रमित करने का कार्य यहाँ पर करते हैं। राहु छाया ग्रह हैं और जब भी छाया ग्रह के साथ कोई भी ग्रह हो तो वह किसी न किसी दोष से पीड़ित हो जाता है। जैसे राहु के साथ चंद्रमा आए तो ग्रहण योग, राहु के साथ सूर्य आए तो ग्रहण योग, राहु के साथ मंगल आए तो अंगारक दोष, राहु के साथ बुध आए तो जड़ दोष, राहु के साथ गुरु आए तो गुरु चांडाल योग इत्यादि कई योग हो जाते हैं। जब भी कोई शुभ ग्रह अथवा क्रूर ग्रह ऐसे पापी ग्रह के साथ आते हैं तो ऐसे दोषों का निर्माण हो जाता है। तो बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए यह योग का क्या फल होगा, कहां पर आपको सावधान रहना होगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए अथवा कुंभ लग्न के जातकों के लिए यह जो योग बना है यह पंचम स्थान पे बना है। पंचम स्थान यानी आपके विद्या का स्थान, आपके शिक्षा संबंधित स्थान, आपके संस्कारों का यह स्थान, आपके संतान का यह संस्कार स्थान होता है। यहां पर मंगल और राहु की युति होने से आपके लिए शिक्षा संबंधित दिक्कतें उत्पन्न हो सकती हैं। इस स्थिति में आप भ्रमित रह सकते हैं। आपको कोई भी सुझाव, किसी भी कार्य में कोई भी सुझाव आप अपने मन में लाएंगे तो ऐसे अनेक नकारात्मक सुझाव आपको सूझेंगे कि आप किसी भी कार्य को बंद करने की स्थिति तक पहुंच सकते हैं। संतान के भाव में यह है तो संतान संबंधित चिंताएं भी आपको रह सकते हैं, मानसिक तनाव आपको रह सकता है, आपका संतान का स्वास्थ्य भी यहां पर थोड़ा खराब हो सकता है, तो आपको मानसिक चिंताएं यहां पर रह सकते हैं। वहीं मंगल की जो दृष्टियां होती हैं वे तीन दृष्टियां होती हैं, चौथी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और आठवीं दृष्टि। तो मंगल की जो चौथी दृष्टि है वह आपके
अष्टम स्थान पर रहने वाली है। अष्टम स्थान में मंगल की दृष्टि होने से यहाँ पर आप यदि वाहन चालक हैं, वाहन इत्यादि चलाते हैं, तो आपको विशेष रूप से सतर्क रहना होगा। और यदि इस अवधि में आप वाहन नहीं चलाएंगे सवा महीने में, तो बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है। और किन्हीं परिस्थितियों में आपको वाहन इत्यादि चलाना पड़े या आपकी आजीविका ही वाहन से होती है, तो आपको सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा, सावधानी पूर्वक अपने वाहन को चलाना होगा, क्योंकि यहाँ पर चोट चपेट इत्यादि का और रक्त प्रवाह का यह स्थान है, तो यहाँ पर आपको दिक्कतें हो सकते हैं। आपके पेट इत्यादि में गैस इत्यादि रह सकती है, एसिडिटी रह सकती है। चेहरे इत्यादि पे आपके एलर्जी या फोड़े फुंसी हो सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको घबराना नहीं चाहिए। आप जो कार्य निरंतर हो रहा है उसको निरंतर चलने दें। वहीं जो सप्तम दृष्टि यहां से होगी, तो वह सप्तम दृष्टि आपके आय स्थान पर रहेगी, तो आय के लिए यहां पर आपके लिए अच्छा है। आय के लिए आपको अचानक से धन प्राप्ति का यहां पर योग भी बनता है। हालांकि यदि आप किसी भी दुर्व्यसनों से आय का उपभोग करते हैं, तो यहां स्थिति आपके पक्ष में नहीं होगी। लेकिन यदि आप मेहनत करते हैं, मेहनत का कार्य करते हैं, तो आपका परिश्रम का फल यहां आपको मिलेगा। यह आपके लिए एक सकारात्मक योग यहां पर बना हुआ है, क्योंकि आय स्थान में मंगल की ही राशि है। लेकिन यदि आप सट्टा लॉटरी इत्यादि से पैसा कमाते हैं, किसी को ठग करके आप पैसा कमाते हैं, तो यहां आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप फंस सकते हैं और आपके बदनामी भी हो सकती है। वहीं जो अष्टम जो दृष्टि होगी मंगल की, वो होगी आपके व्यय स्थान में, तो आय के साथ साथ आपके व्यय भी अधिक होंगे। आप अपने जेब को देकर ही व्यय करें, कोई भी सामान तब खरीदें जब आप ऐसी स्थिति में हो कि आपको लगे कि वह खरीद सके। कर्जा इत्यादि से आप ना खरीदें, आपके ऊपर यह कर्जा बहुत बड़ा ऋण बन सकता है और आप धोखे का शिकार हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। साथ ही जो मोक्ष की घड़ी पर है, जो वायुवृद्ध है, उनको यहाँ पर मोक्ष प्राप्ति का भी योग बना हुआ है। आप अचानक यात्राओं पर भी जा सकते हैं, वह चाहे आप उन यात्राओं से खुश हो न हो, लेकिन आपको यात्राओं के यहाँ पर योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यह कुंभ राशि के जातकों का बृहद विश्लेषण करके मैंने मंगल राहु की युति का फलाफल बताया है। यदि आप इस योग से अत्यंत परेशान हैं, पीड़ित हैं, तो आपको सबसे पहला यह उपाय करना है कि क्रोध को अपने ऊपर बिल्कुल भी हावी न होने दें, और आप निरंतर शिव जी की पूजा करें, हनुमान जी का पूजन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और बजरंग बाण का पाठ करें, और जो भी ग्रह इनमें से आपकी जन्म कुंडली में सक्षम हो, उसका रत्न भी आप धारण कर सकते हैं। तो आपके लिए यह युति शुभ हो, यही हम मंगल कामना करते हैं। नमस्कार।